पोस्ट ऑफिस जो बड़े जो रैंक पे बैठा है ना वो प्लीज डोंट हर्ट माय जिगर। आज है स्टॉक गुरु शिशु, मतलब स्टॉक में फेस्टिवल है, स्टॉक पैलेस के पास फेस्टिवल है। स्टॉक पैलेस यहाँ से बिल्कुल नज़दीक है गाइस, देखो वो सामने जहाँ पे देख रहे हो ना बर्फ कितना मस्त दिख रहा है, वहाँ पे स्टॉक है। तो मैं जाऊँगा अभी वहाँ पे, तो थोड़ा बहुत घूम के आऊँगा। टाइम तो वैसे हो गया भाई, कहाँ पहुँचूँगा, टाइम से तो मैं पहुँचूँगा नहीं। अभी कितना हो रहा है टाइम से, वहाँ पे ना दो ओरिकल है ना, वहाँ पे आज के दिन दो ओरिकल को दर्शन करने का मिलता है, लेकिन मेरे ख्याल से वो तो सुबह सुबह उनका दर्शन हो जाता होगा, लेकिन मैं तो लेट हो गया। फिलहाल जो भी हो छोड़ो बोलो, फिर भी निकल लेता हूँ। वहाँ पे बहुत बड़ा बाजार लगा होगा, बाज़ार को देखते और घूम के आते, थोड़ा बहुत मोनेस्ट्री और तो पैलेस खुला होगा, था हम आपको तो पैलेस देखेंगे भाई। यहाँ से देखो एकदम मस्त व्यू है, पहाड़ों पे अभी भी बर्फ पड़ गया है, और हमारे पास एक छोटा सा कुत्ता है, वो जो कुत्ता देखो, कुत्ता मुझे घूर घूर के देख रहा है, ये बंदा क्या कर रहा है सोच रहा होगा। निकलते हैं भाई यहाँ से, गड्डी को थोड़ा सा स्टार्टिंग में रखते हैं, गड्डी को स्टार्टिंग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब मैं कैमरा को यहाँ पे माउंट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे छोटा सा इसको ना ये मैंने इधर चिपका दिया जी। आलो जी, तो भाई फिलहाल मैं आ चुका हूँ यहाँ पे चुगलम सर के ब्रिज के पास, जहाँ सभी एक फ़ोन आया था। बट पर इस बार तो पता नहीं, सीज़न मेरे ख्याल से थोड़ा मस्त चलने वाले है, मुझे ऐसा थोड़ा बहुत संकेत आ रहा है लद्दाख का सीज़न। हाँ जी सर, झूले सर, झूले 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 सर। सामने तोक पैलेस है गाइस, तोक पैलेस, ये देखो बिना देखने में तो मस्त दिख रहा है। अंदर म्यूजियम भी है, म्यूजियम का तो अभी रिनोवेशन चल रहा है, अभी बंद होगा खुला होगा पता नहीं, गर्मियों में तो ये बंद था, अभी चालू होगा तो जा सकते हैं शायद, देखते हैं अभी जाके भाई। ये नमाज देख रहा है, देख लो देख लो। कितना मस्त व्यू है भाई, सामने वाला साबू है, फिर चुगलाम सर हो सामने वाला ले, उधर से गंगलेस फिश खा दो वाला। Shaking wind, here come in my hand, chaser root, pure ek darjan. One in two swing, the hockey stick big puck, 7-0-7-3. 26. तंबोला तो मिला नहीं भाई, कम से कम अभी एक घंटा हो गया यहाँ पे बैठे बैठे में, गाड़ी आई जा रहा है, जरा आई जा रहा है, अभी देखता हूँ आगे जाता हूँ भाई। ये तो गाड़ी हटाने के लिए आया था यार, अभी बोल रहे कि तंबोला का लास्ट अभी सीजन, वो बम्पर चढ़ रहे बम्पर, तंबोला खेलना बड़ा मस्त है गाइस। अभी तक तो जा नहीं पाया, गाड़ी आई जा रहा है, अब निकलता हूँ, मौका मिला तो खेल लूँगा, नहीं तो वापस आ जाऊँगा उसमें क्या।
तो गाइस फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ एक केमिस्ट पे और केमिस्ट से सामान लेते हैं, एक दवा लेना है। तो गाइस दवा ले लिए है, अभी निकलते हैं यहाँ से सीधा सारा। अरे यार कौन सा सुंदर रिमो कस्से के मॉनेस्ट्री में पहुंच चुका हूँ गाइस। यहाँ पे मैं जाऊँगा मम्मी जी से मिलूंगा, मम्मी से तो नहीं मिल सकता शायद, उधर वो पूजा पाठ कर रहे हैं। तो गाइस देखा ना आप लोग ने, लगभग इधर 150-200 के आसपास होंगे। अभी बाहर जो था उतना ही अंदर भी था, जो ये हॉल सा था उसके अंदर था। कल तो ये लोग बात भी नहीं करेंगे, व्रत भी है और मौन व्रत भी है, दोनों है। लंच खाने के लिए तो शेक 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 तो गाइस खाना वगैरह हो चुका है। रेस्टोरेंट में थुप्पा पिया था, सुना था कि यहाँ पे खाना अच्छा मिलता है। मेरे मम्मी जान कहा करती थी भाई खाना इधर तक खा। आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा कई वीडियो में, मैंने ये बोलते हुए भाई यहाँ तक खाना चाहिए खाना, लेकिन वो गलत था गाइस। क्योंकि खाना है ना जितना कम खाएगा उतना ठीक है। और एक जापान में ना, जापान में सब लोग बहुत ज़्यादा यंग रहते हैं, वो लोग आप लोगों को पता ज़्यादातर यंग जो है जापान में है। तो जापानीज लोग क्या करते हैं, तीन भाग में उसको ना डिवाइड करना चाहिए, और डिवाइड करते हैं वो लोग। पहले हाफ में वो लोग डालते हैं भाई खाना, फिर हाफ में पानी, फिर हाफ में हवा। ये तीन होना बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तीन की जगह अंदर होनी चाहिए। अपने इंडियन में तो क्या है कि इंडिया में तो ज़्यादातर अपना तो क्या सिस्टम है, जब तक डकार ना आ जाए गप, तब तक बोलते ना कि खाने में मज़ा नहीं आया, लेकिन वो गलत है। तो डकार तो आनी नहीं चाहिए, वो तो लीवर के लिए बहुत गलत है। मतलब वो डकार तभी आता है जब आपका लीवर अनहेल्दी हो, तभी से आपको डकार आता है, एसिडिटी वगैरह ये सब मतलब लीवर अनहेल्दी होने का सिम्टम है। अब आप लोग सोच होंगे भाई इसने लीवर का प्रॉब्लम कैसे होता है क्या नहीं है, ये इसके बारे में तो बता दिया। अब तेरे में दम है तो, तेरे जिगर में दम है तो, तेरे लीवर में दम है तो ये भी बता दे कि उसको प्रिकॉशन कैसे है क्या नहीं। कॉफ़ी जो है गाइस एकदम मस्त है लीवर के लिए, वो लीवर के अंदर है ना जितना टॉक्सिक है साफ कर देता, मतलब लीवर साफ कर देता वो। बाकी गाइस आप देख, आप लोग देख सकते हो पहाड़ों पे एकदम मस्त बर्फ गिरने वाली है, शायद अभी कुछ दिनों के बाद यहाँ पे ग्राउंड में भी बर्फ गिर जाए। इस साल तो बर्फ बहुत कम ही गिरा है, तो दुआ तो यही करेंगे भाई जल्दी से बहुत अच्छे बर्फ गिर जाए। हाँ तो एक और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जब है ना अगर आप लोग है ना मेक्सिको वगैरह में जाओगे ना, जैसे कि मान लो कि हम दो एक कपल है ना, दो एक लड़का एक लड़की से अगर प्यार करता हो लव करता हो तो क्या बोलेंगे आप? उसमें ऑब्वियसली हम बोलेंगे आई लव यू, सब लोग बोलेगा, तुम भी बोलोगे, आप भी बोलोगे, सब लोग बोलेगा आई लव यू बोलेगा। मतलब ज़रूरी नहीं एक लड़का लड़की बोले, जिसको भी प्यार करते हो आप, एक पापा अपने फैमिली मेंबर में से किसी को भी प्यार कर सकते हो, आई लव यू माई डैडी, आई लव यू माई पापा मम्मी बहन सिस्टर जो भी हो, मेरे दोस्त को भी बोल सकते, आई लव यू मेरे दोस्त। तो वहाँ पे ये नहीं बोलते, वहाँ पे बोलते यू आर माई मैंगो। ये एक इंटरेस्टिंग है, ये स्टोरी लीवर से जुड़ा हुआ है। अब तो आप लोग कहेंगे ऐसे कि लीवर के साथ क्या कनेक्शन है, लीवर और इसका फुल बॉडी कनेक्शन है, ये मैं आपको बताऊंगा। कोई साउथ अफ्रीका के कोई ट्राइबल एरिया में आप जाते हो तो वहाँ पे आप क्या कहोगे, वहाँ पे आप क्या कहते होंगे? प्लीज डोंट हर्ट माई जिगर, यू आर माई जिगर बोलते हैं। हाँ तो ये है गाइस जुग पद्मा करपो, इसको रेंचो स्कूल भी कहते हैं भाई। ऑफिस में जाके आया हूँ, पोस्ट ऑफिस का ना यहाँ तक मतलब पोस्ट ऑफिस जो बड़े जो रैंक पे बैठा है ना वो लोग बहुत ही गड़बड़ कर रहे हैं गाइस। तो मैं एक ना एक दिन तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों के सामने लाऊंगा।
है ना नहीं, यहाँ भी पार्टी खत्म, पार्टी बोला प्रोग्राम का ये खत्म हो है। अभी निकलते हैं यहाँ से वापस घर को ले की तरफ, तो अभी तुरंत निकलते हैं यहाँ से। निकलते निकलते एक बैड न्यूज़ का भी न्यूज़ भी आया, कॉल आया फ़ोन गांव से मेरी बहन का। वो कह रही थी कि मेरे जो भतीजी है उसको कुत्ता ने काट लिया भाई। तो जहाँ तक अपना देसी इलाज के हिसाब से मैं बताऊँ तो जब मैं छोटा था तब तो मेरे दादी जी कहते थे कि मतलब अगर कुत्ता काटे तो खून निकालना चाहिए, और खून निकल गया तो मतलब ये कि प्रॉब्लम नहीं होगा। तो खून निकल गया तो मतलब ये कि आपको टिकट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा दादी जी कहती है। अगर वो काटने के बाद थोड़ा सा वाइट वाइट निकल के रह जाता ना अभी, तो बोलते कि तब तो टीका लगाना बहुत ज़रूरी है। तो भाई ये टेटनस का टीका कितने देर में लगाना, कितना देर में लगाना ज़रूरी है भाई, आप लोग को बताना। किसी को कुछ पता हो तो इसके बारे में, कुत्ता काटे तो भाई क्या रहता है क्या नहीं रहता, और कितने दिन में देर के बाद टीका लगाना चाहिए, बताना ज़रूर भाई। तो गाइस ठीक है, फिर एक न्यू ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहना, मस्त रहना, तंदुरुस्त रहना, और अपने अड़ोस पड़ोस को साफ